जहांगीराबाद में मौसम ने अचानक करवट बदली, घने बादल छाए और रिमझिम बारिश शुरू हुई। इस बारिश ने मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। इससे जहां जगह जगह जलभराव हो गया, वहीं लोगों ने इस बारिश का आनंद भी लिया। वहीं जगह जगह जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह जलभराव से दुपहिया चौपहिया वाहन भी बंद होते नजर आए। शाजापुर में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परेड निरीक्षण कर कावड़ यात्रा के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में डायल सो के साथ फ्लैग मार्च कर कावड़ यात्रा रूट का निरीक्षण किया गया। तो सब आज किस तरह का रूट मार्च निकाला गया है यहाँ पर, क्या माहौल देने का बात? कावड़ यात्रा को देखते हुए आज 100 गाड़ियों के साथ जो फ्लैग मार्च निकाला गया है और पूरा क्षेत्र में सतर्कता बरती गई है और किसी प्रकार का अवांछनीय तत्व बढ़ती नजर रहेगी और कावड़ियों का सुरक्षा से पूरा अच्छा इंतजाम है। गंगापुर सिटी की बात करते हैं, जहां इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक बना हुआ है। आए दिन आवारा जानवरों की वजह से हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन धारण किए हुए है। आज एक बार फिर बाइक सवार आवारा जानवरों के कारण हादसे का शिकार हो गए। गंगापुर सिटी में आज ट्रक यूनियन स्थित पल्लीवाल पेट्रोल पंप के पास एक खाली पड़े कुएं में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गंगापुर सिटी में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। साथ ही आगामी समय में होने वाली बारिश के चलते शहर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नाली और नालों की सफाई कराई गई। गंगापुर सिटी के करौली रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने पुलिस और ट्रेन पर पथराव कर दिया, साथ ही एक बाइक को आग लगा दी। इस पथराव में ट्रेन पायलट सहित 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, वहीं यात्रियों को भी चोटें पहुंची हैं। वहीं देर रात तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। क्या कहना चाहोगे? कार्रवाई अतिक्रमण कर रखा है जगह जगह हल्का फुल्का जैसाई तो उसको हटाने में वो कर रहे हैं। और क्या कार्रवाई? और कार्रवाई सफाई व्यवस्था में जान ज्यादा दिया जा रहा है जी। और जो अस्थाई अतिक्रमण है उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको फिर हमको हटाने पड़ेगा। अच्छा, और जो अतिक्रमण कर रहे हैं इन लोग हटा रहे हैं टाइम पे, बाकी इसके अलावा और आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से ये कहना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मत करो, अपनी दुकान की सीमा में रहो अंदर, जिससे आम आदमी को परेशानी नहीं उठानी पड़े। अच्छा सर, जिस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई, चालान वगैरह? नहीं, अभी कोई चालान वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, उनके सामान को कोई जब्त नहीं? कोई जब्त नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। पहले समझाइश कर रहे हैं जी सर, अगर वो समझ जाए किसी का नुकसान नहीं हो जी तो बहुत अच्छी बात है। सर, ये अभियान पूरे गंगापुर सिटी के अंदर? पूरे गंगापुर सिटी के अंदर। इसके अलावा मोड़ चौराहे बिल्कुल क्लीन, ज्यादा मोड़ क्लीन, इधर वो उदय मोड़ से आगे कॉलेज की तरफ वो क्लीन है बिल्कुल। ठीक सर, थैंक यू। सुदाजगंज क्षेत्र के मटिया गांव में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें बंद पड़े हुए एक गोदाम में उत्तराखंड सरकार के KMS 2017-18 मार्क वाले 920 कट्टे गेहूं और चावल से भरे मौके से बरामद किए गए हैं। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। वहीं इस छापेमारी के बाद गोदाम मालिकों में हड़कंप मच गया है। बिल की सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि सरकारी गोदामों से प्राइवेट गोदामों में सरकारी राशन की सप्लाई की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तहसीलदार और हमारी टीम ने वहाँ पर जाकर मौके पर छापेमारी की। छापेमारी में इस तथ्य को प्रथम दृष्टया सही पाया गया और तुरंत सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की गई। गोदाम में 920 कट्टे गेहूं और चावल के प्राप्त हुए हैं, जिनको कि सील करवा दिया गया है। खाली बारदाने के कट्टे भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। तो विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा तो किस लिए आए हैं तहसील में? तुम क्या क्या समस्या है तुम्हारी? सर, पेमेंट नहीं मिलने की समस्या। काय का पेमेंट है आपका? कितना रुपया है? लगभग अभी फिलहाल में 8-8.5 हज़ार के आसपास। 8-8.5 हज़ार तो अभी तक के मिला नहीं है? हाँ, अभी 3 महीने हो गए कि नहीं मिल पाया। तो क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग बोलते हैं 8 दिन में मिल जाएगा, 15 दिन में मिल जाएगा। हाँ।
तो किसान लोग यहाँ तहसील में किस कारण से पहुँचे हैं, क्या समस्या है आपकी? ये हमारी ये समस्या है कि पिछले 2 साल पहले तो ककून जो है रेशम, ये सभी किसान रेशम उत्पादन करते हैं। 2 साल पहले तक ये था कि रेशम विभाग खरीदता था और 15 दिन में पैसे दे देता था। अब लगभग 2 वर्ष हो गए, बहुत से किसान को पैसे नहीं मिल रहा। दूसरा कृषि पालन केंद्र आता है कृमि पालन, इसका रेशम विभाग का किसानों को शेड बना के देते हैं, वो शेड उन्होंने काम चालू करा दिया सब किसान के। उन्होंने सामग्री बाज़ार से उधार लेकर के शेड भी पूर्ण कर लिए, परंतु उनको आज तक पूरी राशि नहीं मिली है। किसी को 1 किस्त मिली, किसी 2 किस्त मिली है, किसी को 3 मिली है, फाइनल किसी का नहीं हुआ। और मकान जबकि पूरे फाइनल हो चुके हैं। ऐसे कितने किसान हैं कम से कम? ये जिनके पैसे बाकी हो तो यहाँ के सभी लगभग 150 किसान जो है रेशम उत्पादन करते हैं यहाँ पे चिचोली तहसील में, उनके सबके पैसे बाकी है। और 2014 में जिनको कृमि शेड बना के देना था उनके सबके पैसे बाकी। कभी उत्तर प्रदेश सरकार का अंग रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद भाजपा से बगावत कर सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, लेकिन 17 लोकसभा सीटों के आए परिणाम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। लिहाजा भाजपा ने गठबंधन धर्म का निर्वहन न करने पर भाजपा को ही सरकार से अलग कर लिया। धूले पर जा चुके भारतीय सुहेलदेव पार्टी एक बार फिर खोई हुई राजनीति को जिंदा करने में जुटी है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आज हम लोग इस देश में, इस प्रदेश में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, बिहार और गुजरात के तर्ज पर शराबबंदी के लिए, किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त में दिलाने के लिए, यही 7 मांगों हम लोगों के पास आज है जो हम लोगों की देने के लिए सरकार के खिलाफ लोग आए हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सांकेतिक धरना है, आगे लड़ाई और आप लोगों के लेखनी के नीचे हम लोगों की लड़ाई जो आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोगों को भी धन्यवाद। और फिर हमारे शेष जो भी बातें आएगी हम लोग आप लोगों के बीच जरूर आएंगे। सरकार आम जन को राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, पर जागरूकता और कर्मचारी की लापरवाही से आम जन को समय पर लाभ नहीं मिल पाता और साठगांठ कर दूसरा व्यक्ति गरीब के नाम का दुरुपयोग कर अनुचित तरीके से लाभ उठा ले जाता है, तब आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ऐसा ही मामला करौली की फैलिकापुर जाटव बस्ती में देखने को मिला, जहां एक विधवा महिला अपना गैस कनेक्शन करवाने कटकड़ और सनेट गांव की गैस एजेंसियों पर पहुंची तो पता चला कि उनके नाम से ही दूसरी एजेंसी ने गैस कनेक्शन जारी कर दिया है और विधवा उर्मिला वेवा के नाम पर किसी दुकानदार को महंगी दरों पर गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया। विधवा उर्मिला अपनी किस्मत का रोना अधिकारियों से भी रो चुकी है, अब जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर उसके नाम जारी गैस कनेक्शन को दिलाने की मांग की है। फैलीपुरा गांव फैलीपुरा और गंसार इसके कहने मतलब में राशन कार्ड बनाया, इससे जब से कहने मतलब गैस सिलेंडर वगैरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। फर्जी उठा लिया किसी ने फर्जी सिलेंडर उठा लिया और उठाने के बाद में अभी तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा सिलेंडर में। हमको सिलेंडर चाहिए गैस सिलेंडर, हम लकड़ी पे अब चौमासे में बिल्कुल कमी आ रही है, हमारे पास चौमासे में लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, जो हमको सिलेंडर गैस सिलेंडर जरूर चाहिए। रामपुर के सैफरी से दर्जनों गांव को जोड़ने वाला मार्ग 20 साल बाद भी खस्ता हालात में पड़ा है। यही रास्ता पूर्व सांसद जयप्रदापुर द्वारा बनाए गए पुल तक पहुंचा है, जो आज भी अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है और लोग इन आंसुओं के पानी में होकर निकलने को मजबूर है। ये समाज से भी सेफनी, ये मुद्दा है सेफनी के छुकोनी मार्ग का, जो कि 15 वर्ष से बदहाल स्थिति में पड़ा है। जब योगी सरकार आई थी उस टाइम पर गड्ढा मुक्त में लिया गया था, मगर उसके बाद गड्ढा मुक्त में ऐसी लीपापोती करके छोड़ दिया गया था, जो आज इसमें जगह जगह गड्ढे होने की वजह से तालाब जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है।
और यहाँ पर आने जाने वाले बच्चों को, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो स्कूल वाहन जाते हैं और वैसे राहगीरों के वाहन जाते हैं, उनका पलटने का भी खतरा बना रहता है। मैं इसके लिए मैं 3 वर्ष से लगातार प्रयासरत हूँ और अधिकारी से मिलता रहा हूँ। 2 बार मैं योगी जी जनसुनवाई पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी का है उस पर भी शिकायत कर चुका हूँ। ये जो रोड है वो कितने गांवों को जोड़ता है? ये रोड जो है लगभग समथिंग दर्जनों गांवों को जोड़ता है, जिससे कि तमाम राहगीरों को यहाँ इस मार्ग से आना जाना रहता है। इस मार्ग पर समथिंग 4-5 बैंकें हैं, जिला सहकारी समिति है और आपका इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल भी हैं, इसी मार्ग पर ही हैं। अच्छा, जो ये आपने शिकायतें करी हैं इसका कोई आश्वासन वगैरह कुछ मिला है? अभी मुझे 3-4 दिन पहले आश्वासन मिल चुका है कि बताया है मुझे अधिकारी। आश्वासन किसने दिया था आपको? लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने दिया है मुझे आश्वासन। उन्होंने कहा है कि जो है टेंडर कर चुके हैं इसका। ये जो आश्वासन मिला आपको लिखित रूप में मिला, कैसे मिला? मेरी फ़ोन से बात हुई है। अच्छा जी जी, उन्होंने बोला है कि टेंडर हो चुका है, पिछले हफ्ते इसका पैसा भी आ चुका है और इसका काम उन्होंने कहा है कि जल्द ही अगले महीने काम चालू कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि जो है जो आश्वासन मिला है ये आश्वासन पूरा होता है हम लोगों का या नहीं होता। जैसे सेपनी के जो लोग हैं वो उनका कहना ये है ये काम अभी नहीं होगा, ऐसा क्या वो है? वो इसलिए निराश हैं क्योंकि ये 15 साल से बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, क्योंकि इस रोड की कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। मगर जो लोग ये जो मुद्दा आप कब कितना टाइम हो गया आपको? लगभग मुझे 3 वर्ष हो गए इस मुद्दे को लेकर। अच्छा, यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं जहां बीते जुलाई को हुई दलित युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हत्यारोपी की गिरफ्तारी ना होने के कारण अब दलित समाज सड़कों पर उतर आया है। वहीं बताया जा रहा है कि जाट समाज के लोगों पर दलित युवक की हत्या का आरोप है। अरे क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं और क्या परेशानी है? मेरा नाम वीर सिंह गौतम, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। आप यहां आए हैं क्या? एक पासू थाने में लालेर गांव की घटना है जिसमें 22 जुलाई को संतोष कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह की वहां पर जाट समाज के लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिससे जो है लोग डरे सहमे हैं। हम अपनी मांग यहाँ पुलिस प्रशासन से, SSP से, DM साहब से कहने के लिए आए हैं, उनके तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए। आपने SSP ऑफिस को भी घेरा है और फिर आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, तो क्या मिला SSP ऑफिस से? उन्होंने गिरफ्तारी के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है, मैं जल्दी उन्हें अरेस्ट कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना की बात करते हैं जहां दूध डायरी संचालक लोगों की जिंदगी से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। आज राजस्व, फूड और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री सहित केमिकल बरामद किया है। आपको बता दें कि भरत शर्मा और राजेंद्र शर्मा के मकान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।